विचार करती है कि राजा तो ये बुड्ढा है, ऐसा तो मेरी नैया पार नहीं लगेगी, तो वो बांदी से क्या कहती है और कैसे समझाती है भैया मेरे किजन है। बांदी विचार करती है, फुलंदे रानी बांदी से कहती है कि बांदी अब पार नहीं पड़ेगी। तो प्यारे सज्जनों, वो भक्त पूर्ण मल दिन में तो अपनी बूढ़ी मैया की सेवा करता था, कैसे भैया, अम्मा दे रानी की, और रात में भगवान का भजन करता था। तो आधी रात पर वो पूर्ण मल भगत घोड़े पे सवार होके और फूलंदे के महलों के पीछे गुजर रहा था। तो फूलंदे रानी कहती है, अरे बांदी, तू ऐसा कर, तू ये राजकुमार जा रहा ना, इसको बुला के महलों में ले आ। तो बांदी जाती है और पूर्णमल से कहती है कि भैया तेरी मौसी बहुत बीमार है। तो प्यारे सज्जनों, पूर्णमल कहता है कि मेरी मौसी बीमार है तो समाचार के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन उसका मित्र कहता है कि भैया आधी रात का समय है, तुम महलों में मत जाओ, पता नहीं धोखा भी हो जाएगा। तो वो नहीं मानता है और आधी रात को महलों में आ जाता है। जब मौसी को देखता है कि मौसी तो बीमार नहीं है, और मौसी जब राजकुमार को देखती है तो मन में क्या विचार करती है, भैया मेरे किजन है। विचार रे ए
को छपट कमर से भैया हर छपट कमर से हर ले लिए तो फेंटा बस जाए तब जा रहा जा रहा को अब तक नहीं मिला। उसी दरमियान उसे राजा की सभा में अम्मा दे रानी आ जाती है बेचारी बुढ़ापे में रोती रोती। वो कहती है अरे राजा ये बताओ मेरे बेटे ने कौन सा अपराध किया है। तो राजा नहीं मानता है तो भक्त पूर्णवल पूछता है कि पिताजी ये तो बताओ मैंने कसूर क्या किया। लेकिन वो नहीं मानता राजा तो वो भगत भगवान से कैसे प्रार्थना करता है क्या होता भैया मेरे क्या होता भैया अरे तो ठाडो दो कर जोर कमरी अब सोच करे मन में और क्या लिख दइए देख विधाता मेरे कर मन में अरे पिता मेरा है सब तेरी मां पितारी मेरा है सब तेरी मां ने ओए कौतो ओए कौतो तेरा क्या बात है पिता मेरा